अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपके लिए सॉल्व करने वाला हूं क्लास 9 का 2021 का जो एंट्रेंस था एमयू का, उसका मैथ का जो सेक्शन था उसके मैं 15 क्वेश्चंस इस वीडियो में सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। सारे कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट आए थे, और उसके बाद के 15 सवाल हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक एक बात बताऊंगा आपको, बोर्ड पे आपको बताऊंगा, समझ में आपको आ जाएगा। तो जो बच्चे 2022 का एमयू एंट्रेंस देने वाले हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें, और जिनको कोचिंग ज्वाइन करनी है ऑनलाइन या ऑफलाइन जो चाहते हैं, यहाँ कम बच्चे हो, ज्यादा भीड़ ना हो, पीसी बहुत रीजनेबल हो, वो नंबर आपको स्क्रीन पे दिया होगा, आप मुझे उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूरी हेल्प आपकी की जाएगी। एंड इफ यू वर्क इक्वली हार्ड देन आप जरूर क्वालिफाई कर जाएंगे। सवाल मैं बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, सवाल आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, जैसे मैं सॉल्व करने जाऊंगा उनको वहां से आप सवाल देख सकते हैं। दोस्तों पहला सवाल आपको आया था, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा अब, कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। दोस्तों एडिटिव आइडेंटिटी पहला सवाल आपको आया था, एडिटिव आइडेंटिटी, इसमें आपके चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। देखिए जीरो को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब होता है कि इसको जिस नंबर में एड कीजिएगा आपको हमेशा वही नंबर मिलेगा। अगर मैं किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करता हूं तो मुझे वही नंबर दोबारा लौट के मिल जाता है, इसलिए हम जीरो को क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। सो नेक्स्ट सवाल आया था, इनमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। आपके ऑप्शंस मैं लिखता हूं, आपका ऑप्शन था 3, 4 और 5 पहला ऑप्शन था आपका, दूसरा आपका ऑप्शन था 6, 8 और 10, तीसरा आपका ऑप्शन आया था 5, 12, 13 और चौथा आपका ऑप्शन आया था 2, 3, 4। इसमें तो आपको ये बताना था कौन सा नहीं है। देखिए आप जानते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, जो सबसे बड़ा नंबर हो चारों ऑप्शन में से, सबसे बड़ा नंबर का स्क्वायर करते हैं उसको लिखते हैं हम अलग से, और फिर जो छोटे नंबर बचते हैं दोनों उनका भी स्क्वायर करते हैं और दोनों को प्लस करते हैं। अगर वो बड़े वाले नंबर के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अदरवाइज नहीं है। जैसे देखिए मैं पहला आपको समझाता हूँ एक केस में, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ मेरे पास 3, 4, 5 है, सबसे बड़ा नंबर 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर कर दूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। उसके बाद देखिए मैं 3 का स्क्वायर कर दूंगा तो 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को प्लस कर दिया मैंने तो कितना आ जाएगा, 20। देखिए ये और ये बराबर आएगा, इसका मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो ऐसे आपको ट्राई करना है, चेक करना है। अगर हम जाएंगे ये वाले, यहाँ देखिए इस वाले में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, प्लस करूंगा कितना आएगा 13। देखिए 13 और 16 बराबर नहीं है, इसका मतलब ये वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो थर्ड सवाल आपको आया था, नेक्स्ट आपको दोस्तों यहाँ सवाल आपको आया था एक्स वाई, एक्स वाई से आपको दिया हुआ था काफी कि आपको इसको सॉल्व करना था। सवाल दोस्तों आपको आया था एक्स वाई वाला, एक्स वाई प्लस ये आया था आपको एक्स वाई, और फिर आपको आया था एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई ये आपको आया था, और फिर आपको प्लस लगा हुआ था, फिर आपको आया था वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड, वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड, और तीसरा आपको आया था जो टर्म था वो प्लस का, z माइनस x और z प्लस x, आपको इसकी वैल्यू बताना थी क्या होगी। तो सिंपल क्या है, इसमें हम क्या क्या हम करेंगे, कोई डरने वाली बात नहीं है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखिए x को x से करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, इसको देखिए ये a प्लस b और a माइनस b है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, इसको भी प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। देखिए सब पढ़ जाएंगे, ये प्लस का है एक्स स्क्वायर, ये माइनस का, ये आप कैंसिल हो गया, ये प्लस का है ये माइनस का कैंसिल हो गया, ये प्लस का माइनस कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आ गया, 0, यही आपका आंसर था। उससे नेक्स्ट सवाल आपको आया था, आपको 3x स्क्वायर प्लस प्लस 10x + 10x + 8 फैक्टर करना था। फैक्टर कैसे करते हैं, देखिए यहां पर हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट का मतलब होता है कि बीच का जो टर्म है ना, इसको हम इस टाइप से स्प्लिट करते हैं कि
अगर जिन जिन जो दो टर्म में मैं इनको स्प्लिट करूंगा उनको प्लस करूंगा तो मिडिल टर्म आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 into 3 मतलब 24 के बराबर आना चाहिए। तो देखिए इसको मैं स्प्लिट कैसे करूंगा, यहां लिखूंगा 3x2, इसको मैं ऐसे लिख लूंगा 6x + 4x, देखिए ना 6x + 4x कितना हो गया 10x, तो प्लस करके इनको प्लस करके इसके बराबर आ गया, और 6 × 4 24 मतलब 8 × 24 बराबर आ गया। मतलब हमारा फैक्टर यहाँ पर ठीक है, हमारा जो है ना मतलब स्प्लिटिंग वो ठीक है, प्लस का 8। अब देखिए यहां से मैं कॉमन इस वाले पार्ट में से पहले कॉमन ले लेंगे, यहाँ कितना कॉमन आ जाएगा 3x, अंदर क्या बचा है x + 2 बचा, यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे हम प्लस का 2, और यहाँ कितना आ जाएगा x + का, यहाँ तो कॉमन आ जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा x + 2 बचेगा। हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर देखिए इनको ये दोनों अगर ये हमारे अंदर के सेम आ रहे हैं इसका मतलब हमारा फैक्टराइजेशन ठीक है, कितना हो जाएगा 3x + 4, इसको ले लिया हमने एक साथ और इसको ले लिया एक साथ, तो आपका आंसर क्या हो गया 3x + 4 और x + 2 ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था रेंज, आपको बताना थी डाटा की रेंज। देखिए रेंज कैसे निकालते हैं, सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं नहीं इसको लिख रहा हूँ। रेंज क्या होती है, रेंज रेंज का मतलब होता है, रेंज बराबर होता है आपका हाईएस्ट वैल्यू माइनस का, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ माइनस का लोएस्ट वैल्यू, वो आपका हाईएस्ट वैल्यू जो भी आपको डाटा में हाईएस्ट वैल्यू दी हुई है उसमें से लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो आपको हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है आप देखेंगे जाके अपने पेपर में 61, और आपको लोएस्ट वैल्यू कितनी दी हुई है, आपको दी हुई है 20, दोनों को माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा 41, ये आपका हो गया आंसर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, आपको बताना थी प्रोबेबिलिटी, आपको बताना थी इसमें क्या करना है, बहुत ही आसान था ये वाला। प्रोबेबिलिटी आपको बताना थी, हमारे पास अल्फाबेट्स हैं, अगर हम अल्फाबेट्स में ऐसे 26 अल्फाबेट होते हैं उनमें से एक लेटर को निकालें तो क्या चांस है कि वो वॉवल हो। देखिए वॉवल कितने होते हैं, इसलिए रिजल्ट कितने होते हैं 5 वॉवल होते हैं, बाकी क्या होते हैं कॉन्सोनेंट, लेकिन पूरे कितने होते हैं आपके अल्फाबेट 26, अल्फाबेट कितने होते हैं 26, तो हमें उसमें से एक लेटर निकालना है और वो कितना जो निकालें वो आए वॉवल, उसका चांस क्या है। देखिए ध्यान रखिएगा एक तो निकाल रहे हैं लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना वो 1/26 नहीं होगी क्योंकि हमारे पास 5 वॉवल। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जो चाहिए होता है उसका जितना नंबर होता है ना, जो भी जितनी वो चीज है, जैसे 5 वॉवल होते हैं तो 5 को लिख देंगे ऊपर और जो टोटल अल्फाबेट्स है उसको हम सीधा नीचे लिख देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। जो भी चाहिए मुझे उसका जितना नंबर है, मतलब ऐसे मान लिया आपने, अगर मैं ये बात आपसे पूछूं कि कॉन्सोनेंट आने का चांस क्या हो जाएगा, क्या होगा अगर मैं अल्फाबेट में से वॉवल एक लेटर निकालूं वो कॉन्सोनेंट हो, तो कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 21, उस केस में हम 21 ऊपर रखेंगे और 26 नीचे रख देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आया था आपके लिए रूट में आया था, कुछ सवाल आपको ऐसे आया था थोड़ा सा आपको देखने मुश्किल लगेगा लेकिन आसान है। 248 प्लस फिर एक रूट था 52 और फिर एक रूट है प्लस 144, इसके अंदर एक और रूट था यहाँ था 144। देखिए तो सवाल देखने में आपको मुश्किल लग रहा लेकिन कैसे करेंगे इसको, हम जानते हैं कि 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12 होता है, तो ये आपको कितना हो जाएगा अगर मैं इसका ऐसे लिखूं 248 प्लस ये आपको कितना हो जाएगा 52 और ये इसका रूट हट जाएगा 12 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब देखिए ये दोनों मिला के ये कितना हो गया, ये हो गया आपका, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 248 और इसको मैं कितना लिख दूंगा 64, देखिए 64 में कितना होता है स्क्वायर रूट 8 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 248, इसको मैं आगे लिखता हूँ 248 अभी रूट में लिखते हैं और ये कितना हो जाएगा 8 + 8, तो ये कितना हो गया, ये हो गया रूट का 256। अब सिर्फ 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है 16 होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 16, आई होप समझ में आपको आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, यहाँ पर आपको इवेल्युएट करना था, आपको इवेल्युएट करना था, इवेल्युएट करना था आपको कैसे करेंगे उसको इवेल्युएट, ये इसको भी आप देखिए, आपको दिया हुआ था 8 इनवर्स दिया हुआ था आपको और इनटू दिया हुआ था आपको और यहां दिया हुआ था आपको 5 की पावर -3 और अपॉन दिया हुआ था आपको अपॉन 2 की पावर -7।
ये आपको यहां पर दिया हुआ था। अब देखिए पहले ये एक्चुअली टोटल डिवाइड है, ठीक है ना। देखिए पहले इसको क्या करेंगे, पहले इसको हम चेंज कर लेंगे काई में, इसको हम चेंज कर लेंगे 1/8 में, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1/2। देखिए इसको मैं ऊपर ले आऊंगा, इसको नीचे ले आऊंगा, तो ये जो है ना बिल्कुल बदल जाएगा। इसको पहले हम कर लेंगे 1/8, ये आपका 1/8 आ गया, और इसको मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू 2^7/5/3, ये आपका ऐसा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और एक बार और 2 अपॉन, ये हो जाएगा आपका 8 × 5³, क्योंकि 5 तीन बार है ना, देखिए 3 से 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, तो ये कैंसिल हो गया। ये कितना बचा, 2 × 2 = 4 × 2 = 16 अपॉन 5 का कितना होता है 125, तो 5³ आपका हो गया 125, ये आपका आंसर। तो उसके बाद नेक्स्ट सवाल आपका 64 और 65, ये सवाल जो है ये गलत थे, तो इनको हमें नहीं करना है, इनके आंसर जो है सही नहीं दिए हुए हैं। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। अब पूछा है आपसे हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाए बिटवीन द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर n एंड n प्लस 1। देखिए ये एक कॉन्सेप्ट होता है, हमारे पास दो नंबर दिए हुए, मान लिया एक नंबर n है n और एक है n प्लस 1, मतलब हो गया हमने n मान लिया 3, n मान लिया 3, कितना हो जाएगा 4। अगर मैं इनके स्क्वायर करता हूं तो इनके बीच में कितने नंबर आएंगे, हम देखते करके कैसे, देखिए ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, तो इनके बीच में कितने नंबर आएंगे, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो कितने नंबर यहां पर आपको आएंगे, इनके बीच में नंबर आएंगे 6। अब देखिए यहां तो आपको दिया नहीं है 6, तो लेकिन लेकिन हमें एक बात दी हुई है, हमें दिया हुआ है 2n। देखिए छोटा वाला नंबर क्या है 2n, तो कितने नंबर होंगे 6, 3 × 2 = 6, तो कितने नंबर होंगे 2n। ध्यान रखिए कोई भी दो आपके नेचुरल नंबर हो आपके n और n प्लस 1, उनके बीच में हमेशा 2n जो है नेचुरल नंबर लाए करते हैं, मतलब छोटे वाले। यहां दोस्तों आपको नेक्स्ट सवाल आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशन बिटवीन द फेसेस f नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस। देखिए ये एक रिलेशनशिप होती है जो कि होती है, इसको बोलते हैं हम किसी भी पॉलीहेड्रॉन जो है ना उनके फेसेस एजेस और वर्टिसेस में एक रिलेशनशिप होती है। तो वो क्या होती है, वो आप देख लें, f वो होती है हमारे पास f प्लस v माइनस e बराबर 2। अब ये होता है इनका रिलेशन। अब आपको बताना है कौन सा इनमें से नहीं, ऑप्शन आपको अपने आगे अपने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। यहां अगर हम देखें, देखिए इनमें से क्या क्या बन जाएगा, पहले हमारे पास क्या बन जाएगा इनके अंदर, एक तो हमारे पास ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, f प्लस वी बराबर ई प्लस 2, तो ये वाला देखिए ऑप्शन हमारे पास है दिया हुआ है। दूसरा इनमें से क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा f प्लस वी माइनस 2 बराबर ई, ये भी हमारे पास मतलब यहां बन जाएगा, देखिए ये भी हमें ऑप्शन में जो है वो दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन देखिए आप, थर्ड आपके पास ऑप्शन यहां से आप एक और क्या बना पाएंगे, अगर मैं इसको उधर ले जाता हूं कहां पर, देखिए f माइनस ई प्लस वी बराबर 2, ये भी ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बल्कि ऑप्शन नंबर सी, ई माइनस वी बराबर 2 − f, ये वाला रिलेशनशिप आप इसमें से नहीं बना सकते। बाकी तीनों बन जाएंगे, एक तो बाकी तीन तो हम दी हुई है, मैंने आपके सामने दिखा दी बना के, f प्लस वी बराबर ई प्लस 2 ये बन जाएगा, f प्लस वी माइनस 2 बराबर ई ये भी आपका बन जाएगा, और एक तो हमें दिया हुआ ही है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन, ये वाला इसमें से आप नहीं बना सकते। 68 सवाल आप देख रहे होंगे, 68 सवाल में आपको दिया हुआ था इनमें से किस में, जहां आपको बताना था इनमें से किस फिगर में जो है परपेंडिकुलर होते हैं डायगोनल, तो इसमें आपका आंसर होगा काइट। काइट जो है, काइट कैसे बनती है, ऐसे बनती है काइट इस टाइप से, यहां पर अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं ये इसके दोनों परपेंडिकुलर, तो ये
सॉरी दोनों डायगोनल, तो ये क्या होते हैं आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां पर आपको डायमंड लिखा हुआ है लेकिन ये होगा डायगोनल, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, काइट हो जाएगा। यहाँ दोस्तों आपको नेक्स्ट सवाल आया था कि फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रॉड दैट दैट कैन बी कैप्ट इन क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। आपके पास एक क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसमें आपको पूछ रहा है कि सबसे जो लंबी जो रॉड है ना उसकी कितने हाइट की रॉड हम रख सकते हैं। दोस्तों ये सवाल जो है थोड़ा सा मुश्किल था, एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलता है, लेकिन इसका देखिए इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, हमें निकालना है इसका डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड, ये निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये सिंपल इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमें एल दिया होगा कितना, 30, एल हमें दिया होगा 30 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। हम इसका अंडर रूट सिंपल कर देंगे, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 900 प्लस 400 प्लस 100, तो ये कितना हो जाएगा 1400 सेंटीमीटर, ये होगा आपका। सिंपल हमें इसमें क्या निकालना था, इसका निकालना था डायगोनल की हाइट, लेंथ, हाइट एक ही बात है यहाँ पर, तो इसकी लेंथ निकालना थी मुझे। तो डायगोनल की लेंथ हम कैसे निकाल लेंगे, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सवाल थोड़ा सा मुश्किल था ये वाला, ज्यादा बच्चे इसको शायद ना। तो सब बात करते हैं आज के लास्ट सवाल की इस वीडियो के, इसके बाद के 15 सवाल मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो के अंदर। लास्ट सवाल आपको आया था द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन ऑफ एन साइड इज गिवन बाय, मतलब एक आपके पास पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन का मतलब कोई भी शेप, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, ठीक है, पेंटागॉन है, हेक्सागॉन है, उनके अंदर कितने डायगोनल्स होते हैं, उनको हम उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दो फॉर्मूले इसके होते हैं, एक तो होता है आपका एन 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 माइनस 3/2 होता है, ये भी होता है, इससे भी आप इसको निकाल सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला जो आपके यहां दिया हुआ है इसमें आपका होगा सेकेंड वाला सब होगा आपका एन 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 माइनस 1/2 माइनस का एन। अगर आप इसको सॉल्व करें, देखिए एक फिगर है मेरे पास, यहां मेरे पास मान लीजिए यहां एक आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है। अब मैं जानता हूं कि रेक्टेंगल में सिर्फ दो डायगोनल होते हैं, ठीक है, तो मैं अब कितनी साइड, एन यहां पर क्या है नंबर ऑफ साइड, तो अब आप कितनी साइड है, चार, तो मैंने चार दिए यहां पर, ठीक है, फोर में से बन गया तो कितना बचेगा 3/2 ऐसी रहेगा माइनस एन माइनस चार, तो आपका ऐसे ही रहेगा। देखिए 2 2 4 ये कैंसिल हो गया, तो 3 2 6 6 माइनस 4 कितना हो गया 2 हो गया। हम जानते हैं यहाँ पर 2 डायगनल होते हैं, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा n n माइनस 1/2, इससे आप किसी पॉलीगॉन के अंदर कितने डायगनल हैं उसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सही मैंने आपको बताया पहले 15 सवाल, आई होप वीडियो पसंद आपको आई होगी, अगर आपको आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर, और कोचिंग अगर आपको ज्वाइन करनी है तो नीचे आपको लिंक दिया होगा, नंबर आपको स्क्रीन पर लगातार आप देख रहे होंगे, उस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।